हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानों के और आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया से जुड़े हुए रोचक तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। तो दोस्तों, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा देश है इंडिया और यहाँ की सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और आज इस वीडियो में हम भारत देश के बारे में आप कुछ ऐसे तथ्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानने के बाद आपको अपने देश पे गर्व होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश दोस्तों हमारा देश है। 125 करोड़ की आबादी वाला देश है हमारा देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला स्थान जो है हर 12 साल में आयोजित होने वाला कुंभ मेला है और यहाँ करोड़ों की संख्या में जो है लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठी होती है कि जिससे कि आप अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। ऐसी भीड़ आप दुनिया में और कहीं और किसी जगह नहीं देख पाएंगे। दोस्तों, दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है इंडिया का है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 22 वर्गों में 444 लेख और 12 कार्यक्रम और 165385 शब्दों के साथ 118 संशोधन शामिल हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे पुराना शहर जो है हमारे देश में वाराणसी शहर है, जिसे कि पवित्र नगरी वाराणसी, जिसे बनारस भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे पुराना शहर है। दोस्तों, शतरंज की शुरुआत जो है जिसे चेस कहा जाता है उसका आविष्कार 6वीं शताब्दी में इंडिया में ही हुआ था। दोस्तों, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क जो है इंडिया में है। भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा दूसरा रेल नेटवर्क है। भारतीय रेलवे में 16 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति जो है इंडिया में ही थे, जिनका नाम था श्रीकांत जेचक्कर। इनके पास कुल 20 डिग्रियाँ थी जिसमें IPS, IAS, डॉक्टरेट, वकील आदि शामिल थी। इनका निधन सन 2004 में हुआ था। दोस्तों, चीनी की खोज भी इंडिया में ही हुई थी। दोस्तों, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने चीनी को शुद्ध करने का तरीका ढूंढा, फिर पूरी दुनिया को भी भारत ने ये तरीका सिखाया। दोस्तों, दुनिया की जो टॉप 10 जो लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं उनमें से जो 3 भाषाएं हैं टॉप 10 में वो इंडिया की हैं। जो तीसरे नंबर पर जो भाषा है वो हिंदी है, 7वें नंबर पर जो भाषा है वो बंगाली है और 10वें नंबर पर जो है वो पंजाबी है। ये तीनों भाषाएं जो है इंडिया से ही हैं। दोस्तों, चांद पर पानी की खोज करने वाला पहला देश जो है इंडिया ही है। चंद्रयान मिशन के द्वारा साल 2008 में पहली बार चांद पर पानी की खोज चंद्रयान मिशन के द्वारा की गई थी। दोस्तों, आप शैम्पू का इस्तेमाल रोज करते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है शैम्पू का जो आविष्कार हुआ था वो इंडिया में ही हुआ था। शैम्पू शब्द संस्कृत के चैम्पू से आया है जिसका मतलब है मालिश। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ये आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है आज़ाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। और आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को की थी, लेकिन शायद आपको यह बात किसी किताबों में पढ़ने को नहीं मिलेगी। दोस्तों, आज़ादी का पहला दिन आप सभी को पता है कि भारत देश जो है आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। लेकिन क्या आपको पता है 15 अगस्त 1947 से 44 महीने पहले ही अंडमान निकोबार द्वीप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 30 दिसंबर 1943 को आज़ाद भारत की तिरंगा अंडमान निकोबार द्वीप में लहराया था और पूरे भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप ही आज़ाद हुआ था। दोस्तों, भारत ही एक ऐसा अकेला देश है जहां खरीदी जाने वाली वस्तु पर उसका MRP यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस छपा होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है जिसमें 1 लाख श्लोक और 18 लाख शब्द मौजूद हैं और ये भारत का ही एक महाकाव्य है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी और ये जानकर सबसे ज़्यादा दुख भी होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाएं भारत में ही होती हैं। भारत में सालाना 1 लाख से अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में मुजफ्फरनगर जिले के एक गांव शिवनगर का नाम जून 2011 में बदलकर snapdeal.com नगर कर दिया गया है, क्योंकि स्नैपडील ने उस गांव में रहने वाले लोगों के लिए 15 हेडपंप लगाए थे, जिस वजह से गांव के लोगों को पीने के पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री भारत में ही है। भारत में हर साल करीब 1600 से ज़्यादा फिल्में रिलीज होती हैं जो कि हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी और कई भाषाओं में रिलीज होती हैं। दोस्तों, आपको ये जान के खुशी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भारत में ही है। वह है लखनऊ का सिटी मोंटेसरी स्कूल, जिसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या है लगभग 2600। दोस्तों, दुनिया में सबसे अधिक डाकघर इंडिया में ही हैं। भारत में कुल 1,55,000 डाकघर मौजूद हैं। दोस्तों, धर्मशाला दुनिया का सबसे ऊँचा क्रिकेट का मैदान है। यह मैदान हिमाचल प्रदेश के चायल नामक स्थान पर मौजूद है, मतलब कि यह भी भारत में ही है। दोस्तों, कुंफू
सुनते ही आपके मन में चाइना आता होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है चीन को कुंग फू सिखाने वाला एक भारतीय था जिनका नाम था बोधिधर्मन। दोस्तों, दुनिया में प्रदूषण की समस्या आज विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यह सुनकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी भारत में ही है, वो है नई दिल्ली। लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि आपको इस बात से कोई गर्व होगा, ये बड़ी दुख की बात है। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होने वाला स्थान मौसिनराम नाम का एक गांव है जो कि भारत के ही एक राज्य मेघालय में स्थित है। दोस्तों, इंडिया का नाम जो है प्रदूषण के मामले में टॉप में है। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 13 शहर भारत के हैं। दोस्तों, आपको ये जान के गर्व होगा कि दुनिया की चौथी ताकतवर सेना भारतीय सेना है। चाइना, अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की सबसे बड़ी जो सेना है वो है इंडियन आर्मी। दोस्तों, इंदिरा गांधी भारत की पहली और अकेली महिला प्रधानमंत्री थी और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली और अकेली महिला राष्ट्रपति थी। दोस्तों, क्या आपको मालूम है विदेशियों को जो भारत घूमने के लिए आते हैं उन्हें भारतीय मुद्रा भारत से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि अभी तक भारत में जितने टॉयलेट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा मोबाइल फोन्स एक्टिव हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज भले ही एक डॉलर की कीमत 75 रुपये से पार है, लेकिन 1917 में एक रुपये की कीमत 13 डॉलर हुआ करती थी। दोस्तों, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। इसे स्टैचू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है जो भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी? भारत से रिलेटेड ये कुछ रोचक तथ्य थे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह की एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।